राम राम जी सरन है और स्वागत है थारा सहवाग फैमिली व्लॉग में। और आज मैं थामने एक नई ट्रिक बताने वाली हूँ कि वॉशिंग मशीन में बहुत जल्दी तक कपड़े कैसे धोएं। अब ये सारे कपड़े जो आप देख रहे हैं ये मैंने वॉशिंग सर्फ में से निकाल लिए हैं। अब सर्फ में से निकालने के बाद कई बार क्या होता है, हम जब कपड़े धोते हैं ना तो बार बार उसको दो तीन बार पानी में से निकालना पड़ता है तब वो साफ़ होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक आज ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बहुत जल्दी कपड़ों को साफ़ कर सकते हो। अब ये हैं सर्फ के कपड़े जो आपके पास आपको दिखाई दे रहे होंगे। सर्फ के कपड़े मैं क्या करूंगी, जो हमारी सुखाने वाली होती है ना, सुखाने वाला जो ड्रायर होता है उसमें हम कपड़ों को डालेंगे, सर्फ वाले कपड़ों को, ठीक है। जैसे देखो ये मेरे पास कपड़े हैं सर्फ के थे और ये मैंने सुखाने वाले में डाल दिए, ठीक है। अब क्या होगा, सुखाने वाले में डालने के बाद हम इस मशीन को क्या कर देंगे, चला देंगे, सुखाने वाले को चला देंगे। ये मैंने स्विच यहाँ से चला दिया और ये ऑन कर दिया। सिर्फ आपको एक या दो पेज को रखना है, हमें बिल्कुल कपड़े नहीं सुखाने, हमें क्या करना है बस हमारा जो सर्फ है वो निकल जाए। तो मैंने इसको क्या कर दिया, दो पे चला दिया, ठीक है। अब दो पे चलाने के बाद जो इनमें एक्स्ट्रा पानी था वो नाली के तरफ यहाँ से जो सर्फ वगैरह है वो बाहर निकल जाएगा और जो एक्स्ट्रा सर्फ है वो आपका निकल जाएगा और कपड़े क्या हो जाएंगे, आपके बहुत जल्दी साफ़ हो जाएंगे। जैसे अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये होने के बाद ये कुछ कपड़े और बचे हुए हैं। आप देखो जैसा कि दो पे होने के बाद ये पूरा हो गया, बहुत जल्दी पूरी हो जाती है ये दो की काउंटिंग। अब ये बंद होने के बाद जब मशीन सुखाने वाले बंद हो जाएगी तो इन कपड़ों को हम निकाल लेंगे अपने। ये देखो ये हमारी पूरी हो गई है और ये बंद होने वाली है, हो गई ना बंद। और आप कभी भी ये गलती ना करें, जब तक ये मशीन पूरी बंद ना हो तब तक आप इसको ऐसे ना खोलें। ऐसे खोलने से क्या होता है, मशीन आपकी जल्दी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको जब तक ये पूरी अपने आप बंद ना हो जाए आप इस ढक्कन को अपने आप से ना खोलें, ठीक है। देखो ये होगी पूरी आपकी बंद हो गई है और अब मैं इस ढक्कन को हटाऊँगी। हम ढक्कन को हटाने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा सर्फ था वो सारा निकल गया है कपड़ों से। अब देखो जो ये कपड़े हैं मैं इसको बाल्टी में निकाल लेती हूँ, सारे कपड़ों को बाल्टी में निकाल के फिर मैं आपको पानी में डाल के दिखाऊंगी कि इनमें कितना सर्फ है या साफ़ हो गई है, ठीक है। ये देखो कपड़े हमारे निकल गए और हम इनको पानी में धोने के लिए लेके चलते हैं बाहर। क्या करें बेटा, अब देखो ये मैंने दो एक टब में और एक बाल्टी में पानी ले लिया है। अब मैं इनको साफ़ करके आपको दिखाती हूँ इनमें कितना सर्फ बचा हुआ है या आपका नहीं है। हाँ जी बेटा, देखो जैसे ये है आपका, ये लोअर है। रुक जा बेटा, रुक जा रुक जा, मैं जब इन साफ़ कर रही हूँ ना, ठीक है। और जैसे ये और कपड़े मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, ये मेरे बेटा के कपड़े हैं, छोटे बड़े कोई भी कपड़े हो आप इसके अंदर डाल सकते हो। जैसे देखो मैंने सर्फ निकालने के बाद ये इसमें डाल दिया, अब देखना कितना पानी आपका गंदा होगा या नहीं होगा, कितनी जल्दी आपके कपड़े साफ़ हो जाते हैं, देख लो। देखो मैंने ये निकाल दिया है, ये देखना, बस आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इतनी जल्दी। देखो जैसे ऐसे सर्फ में से निकाला, वहाँ वॉशिंग मशीन में से, और इसको ऐसे पानी में से निकाल दिया एक ही बार में। देखो आप देख सकते हो, देखो एक ही बार में देखो पानी बिल्कुल साफ है, कोई इसके अंदर झाग नहीं है, सारा सर्फ आपका निकल गया है। और इतनी ईजीली हमने एक ही टब में कपड़े हमारे क्या कर लिए, धो लिए, ठीक है। इतनी इजी ट्रिक है, क्या करना है हमें, क्या करना है, वॉशिंग मशीन से कपड़े को निकालो, जो भी आपने सर कपड़े धोए हैं निकालते ही आपको सुखाने वाली में वो डाल देने हैं। सुखाने वाली में डाल के क्या करना है आपको, सिर्फ एक
पे घुमाओ या दो पे घुमाओ, ठीक है। तो वो डाल के घुमाना है और जस्ट फिर ये जैसे ही बंद हो जाए, बिना बंद हो ये खोलना नहीं आपको ढक्कन इसका, और बंद होने के बाद आपको ये कपड़े निकाल के और पानी डाल के टब में डालो या बाल्टी में, और उसको क्या करोगे एक बार साफ पानी में कर लेना। सिर्फ एक ही बार में आपके कपड़े क्या हो जाएंगे, बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। आपको कोई झंझट नहीं है दो दो तीन तीन टब में पानी लेना फिर उनको साफ़ करना, नहीं। इतनी इजी ट्रिक है ये। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।